यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ जिला मुख्यालय पर धरना दिया। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों और आम जनता के खिलाफ कार्य कर रही है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम लगातार कम हो रहे हैं। कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें घटते 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 आज इतनी घट गई हैं कि शायद 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को, गरीबों को, आम आदमियों को परेशान करने का फैसला ले लिया है। प्रतिदिन कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं और मोदी जी की सरकार प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैस की कीमतें बढ़ा रही है। बांदा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ अलग अलग जगह धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर ओलावृष्टि से खराब हुई फसल के नुकसान की भरपाई नहीं करने का आरोप लगाया और साथ ही जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग की। जो बड़े बड़े ओला पड़े हैं, किसान इतना दुखी हैं, और जब ये इनके अधिकारीगण जाते हैं वहाँ सर्वेक्षण के लिए, देखने के लिए, तो गाड़ी से उतरते नहीं हैं और कह रहे हैं ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। गाड़ी से उतरते हैं ना, खेत में जाते हैं ना कुछ जाते हैं। हमें बड़ा पीड़ा हुआ, किसान रोते हैं, तो हमारे मुँह से निकला कि समय से सही भ्रष्टाचारियों का निपटेंगे, मन में विश्वास, और जो तथस्थ है समय लिखेगा इसका भी इतिहास। हम बड़े रोते हुए दोस्तों पीड़ा के साथ कह रहे हैं, वह हम लोगों को, हम ये कह रहे हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है, लेकिन हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जरूर इसकी पीड़ा को आप सुने और सरकार तक पहुंचाएं। देश भर में कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत कम होने के बाद भी भाजपा पेट्रोल के दामों को कम नहीं कर रही है, जिससे किसानों की बढ़ी हुई कीमतों से ही डीजल और पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। भाजपा सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की गिरी कीमतों का फायदा किसानों और आम जनता को नहीं दे रही। आज जो हमारी मेन मांगे हैं पूरे वैश्विक स्तर पर, जो क्रूड तेल आज पानी से भी सस्ता हो गया है, सरकार किसानों को, आम जनता को इसका लाभ क्यों नहीं दे रही है? आज भी अगर जो क्रूड तेल सस्ता है, सरकार जब कहती है महंगा होता है तो क्रूड तेल का बहाना लेती है कि क्रूड तेल महंगा है तो इस वजह से पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है। जब आज सस्ता है तो सरकार आम जनता को लाभ क्यों नहीं देना चाह रही? सरकार की नीयत में जो आम जनता को लूटने का है, ये कहीं ना कहीं सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग आज सड़कों पर हैं। आज ये हम लोगों ने जो सरकार पहले लेके जाना चाह रही है देश को, आज व्यवसाय नहीं है, आज रोजगार नहीं है, आज लोगों के पास पैसे नहीं है, कैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी में डलवाएंगे, कैसे अपने वाहनों से, मोटरसाइकिलों से लेके जाएंगे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के लोग आज रिक्शा पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कि सरकार की आंख सोल खोल सकें कि सरकार देश को पीछे नहीं, हमें देश को आगे ले जाना है। आधी होनी चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी के समय पर क्रूड तेल की इतनी कीमतें थी तो सरकार ने 30-35 रुपए डीजल पेट्रोल देने का काम किया था, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके, तो सरकार को देना चाहिए। जब क्रूड तेल महंगे होते हैं तो जनता से पैसे वसूलती है ना, आप सस्ता है तो जनता को लाभ दे, आम जनता को क्या सरकार ने बिल्कुल पैसा ठगने के लिए बनाया है? आम जनता को लाभ क्यों नहीं दे रही सरकार? हमारा प्रदर्शन अगर सरकार नहीं चेकती, आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी के लोग जिला मुख्यालयों पर, सड़कों पर हैं, अगर सरकार नहीं चेकती तो कांग्रेस पार्टी के लोग इसे पूरे बड़े पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि पेट्रोल और ओलावृष्टि पर चौतरफा हमले झेल रही भाजपा सरकार आखिर क्या कदम उठाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी और बांदा से जफर अहमद और मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।